अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लुकमान टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी मेथी पराठा। हम इसको डिनर में बना के खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करें। मैंने घर में ही मेथी को उगाया है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेथी का पराठा बना के आपके साथ शेयर करें। इस तरह घर में उगाए हुए फ्रेश मेथी से मेथी का पराठा बनाएं, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। ये देखिए मैंने सारे मेथी को तोड़ के धो के इस तरह बाजू रख लिया है। आटा गूंदने से पहले हमें मेथी को इस तरह बारीक कट कर ले। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से 3 कप भर के व्हीट फ्लोर लिया है और इसमें मैं डाल ले रही हूँ कट करके रखा हुआ मेथी और बारीक कट करके रखे हुए देहरी मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ा सा तेल डाल के इन सारे चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करें। मैंने इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को गूंद लें। सभी पानी को हमें एक ही बार नहीं डाल लेना है, आटा गीला भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को अच्छे से गूंद दें। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और उस पर थोड़ा आयल से ग्रीस कर लें। तो मैंने आयल से इस तरह अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ और वीडियो में दिखाई जैसे आटे को इस तरह मल ले। मैंने यहाँ पे भीगा कपड़ा कवर करके इसको 30 मिनट के लिए बाजुक रख दूंगी। बाजुक रखे हुए 30 मिनट हो चुका है, आटा हमारा अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसे हम पराठे बना लें। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के पराठे बना ले रही हूँ, तो मैंने क्वांटिटी में इतना सा आटा लिया और इसको इस तरह चपाती बनाने के बाद मैंने थोड़ा आयल से इस तरह अच्छे से ग्रीस कर लिया और इसको वीडियो में दिखाई जैसे इस तरह फोल्ड कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पलटन डालते हुए पराठों को बेल लें। इस तरह पराठे बनाने से पराठे हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 अलग तरह के पराठे होल्ड करना दिखाऊंगी। तो ये रहा हमारा पहला तरीका, ये देखिए पराठा हमारा बनके तैयार है। तो ये रहा हमारा दूसरा तरीका, मैंने सेम क्वांटिटी का आटा लिया है और उसको पहले चपाती बेल लें और उस पर थोड़ा आयल से ग्रीस करें और वीडियो में दिखाया जैसे इसको इस तरह फोल्ड कर लें। तो ये रहा हमारा दूसरा तरीका, और ऊपर से थोड़ा सा पलटन डालते हुए पराठों को बेल लें। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज पराठे बना ले रही हूँ, तो मैंने आटे के इतना क्वांटिटी में लिया था। अगर आप छोटे या बड़े पराठे बना रहे तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा आटे को भी ले सकते हैं। मैंने दूसरा पराठे को भी बेल लिया। तो चलिए मैंने आपको तीसरा तरीका भी बता दूंगी। थोड़ा सा पलटन डाल के पहले हमें इसको चपाती बेल लें। बच्चे अक्सर भाजी खाने में तो जिद्दी करते हैं, खाते ही नहीं है। बच्चों को इस तरह मेथी का पराठा बना के दें, बच्चे भी बहुत पसंद से खा लेंगे। इसको चपाती बेलने के बाद मैंने थोड़ा आयल से ग्रीस कर लिया और वीडियो में दिखाया जैसे इसको इस तरह फोल्ड कर लें। हम इसको शाम के खाने में बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है और हेल्थी भी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे आपको 3 अलग तरीके पराठे फोल्ड करना दिखाया है, आपको कौन सा तरीका आसान रहे आप उस तरह पराठों को बना के खाएं। पराठे हमारे बेल के तैयार हैं और उसको सेकने के लिए मैंने स्टोव पे तवा रख लिया। तवा हमारा गर्म हो चुका है और मैंने पराठों को सेक ले रही हूँ। पराठा जो है वो हमारा एक तरफ हल्के से पक जाए तो मैंने उसको दूसरी ओर फलटा के अच्छे से आयल ग्रीस कर ले रही हूँ। दोनों तरफ मैंने अच्छे से आयल को ग्रीस कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको घी डाल के भी पराठे सेक सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल के पराठे सेक ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे पराठों को सेक ले रही हूँ। पराठा हमारा बनके तैयार है, उसको बाजुक रखे। उसी प्रकार हमें बचे हुए पराठों को भी सेक ले। कभी भी हमें पराठा या चपाती बनाते वक्त पराठा जो है वो एक तरफ हल्के से पके, बाद में हमें उसको दूसरी ओर फलटा के ऑयल ग्रीस कर लेना है। इस तरह एक तरफ अच्छे से ऑयल ग्रीस होने के बाद इसको दूसरी ओर फलटा लें और उसी प्रकार हमें दूसरी ओर भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ऑयल को ग्रीस करने के बाद हमें पराठों को मीडियम हाई फ्लेम में इस तरह चलाते हुए सेकें तो पराठे हमारे चारों तरफ अच्छे से सेक जाएंगे।
ये देखिए पराठा हमारा चारों तरफ अच्छे से सेक गया। उसी प्रकार हमें इस पराठे को भी सेक लें। मैं आपके साथ हेल्थी एंड ईजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। इस रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने बताए हुए टिप्स को फॉलो करके आप इन पराठों को बनाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारा तीसरा पराठा भी बनके तैयार हो चुका है और इसे बाजुक निकाल लें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी मेथी पराठा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।